नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रोहतक में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में देश भर में किसान प्रदर्शन करेंगे, ये ऐलान किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को आईएमटी चौक पर दिए जा रहे पिंक धरने पर किया। दरअसल ये धरना किसान आंदोलन और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिया जा रहा है। इस धरने की खासियत यह है कि इसका संचालन महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। सरकार से वार्ता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार का बातचीत का मूड ही नहीं लगता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार को तो कंपनी चला रही है, अब जबरदस्ती किससे वार्ता करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव के समय जनता भाजपा का इलाज कर देगी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। अगर यह सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया छोटे छोटे बालक कह रहे थे, अब की बार मोदी सरकार 2 साल का बालक भी आवाज़ लगा था, बोलना सीख क्या नहीं मोदी सरकार बता लेगा। और सबको पता कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी, ये है मामला। हम लोग को इसलिए बात नहीं हो रही। अच्छा, क्या लगता है दोबारा से, आपने भी कई बार कह चुके हैं कि वार्ता के लिए तैयार हैं, कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, पैच कहाँ टिका हुआ? और वे जब बात नहीं करते भाई, किससे जबरदस्ती बात करने जाएंगे? वे बात नहीं करना चाहते। वे तो कंडीशन है कि कानून वापसी तो नहीं लेंगे, बात कर लो। मतलब भैंस मेरी उसी जोड़ में जाएगी तालाब में, और पंचायत का फैसला सिर्फ है, ऐसा काम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व बैठे हैं, वहाँ किसान नहीं है। अरे बीजेपी तो भाई असामाजिक, बीजेपी तो पार्टी को ये पी गए, अपनी पार्टी बचा ले पहले, वे उनके नेता बंद कर रखे, उन्हें बोला जाता नहीं। कौन था बीजेपी का, उनकी जब सरकार ही नहीं, क्यों खाम खाँ झांझ मार रहे, बड़ा काम कर रहे पहले। टिकैत साहब, ये कहा जा रहा है कि यूपी और पंजाब के चुनाव में आप लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और ये आंदोलन उन चुनाव को लेकर ही चल रहा है ना। हमारा तो कानून के लिए चल रहा आंदोलन, और जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, वे चुनाव लड़ेगी सरकार, तो भाई हम उन्हें हलवा तो खुआने के नहीं, अपनी बात तो कहेंगे। तो क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे? और प्रचार क्यों करते, हम तो अपनी बात कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। अब वहाँ तो जनता इनकी तलाश में बैठी, ये चले जाने एक बार जाएंगे तो ये आवेंगे गिर के। अब नहीं जाएंगे 2 महीने में गाँव में जाएंगे, 2 महीने में भी 4 महीने में जाएंगे, इनसे लोग सवाल जवाब जरूर करेंगे। टिकैत साहब, ये कहा गया है कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग वहाँ गए थे किसान आंदोलन में, लेकिन फिर हमला हुआ। वो किसान क्या लेने गए थे वहाँ, उनकी वो रिश्तेदारी थी, किसान आंदोलन में गए थे। मतलब मंच के पास ही वे, यहाँ पे कोई आग लगे और मंच के पास में आकर बीजेपी के झंडे लगा कर नारेबाजी करने लगे, तो यही स्थान है क्या? स्वागत करने का स्थान है ये? दिल्ली तो रणनीति बना रहे हैं, और रणनीति बना रहे, बता देंगे जब करेंगे, जब चलेंगे अब बताओ। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी उसमें शायद कोई सी तारीख उसमें रखेंगे कि वो एसडीएम के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ जाएंगे उसको लेके, वो शायद आज तय हो जाएगी कोई तारीख। क्या बातचीत संभव है अभी सरकार के साथ? अभी बातचीत तो नहीं लग रहा, सरकार का मूड नहीं लग रहा अभी बात करने का। क्या कारण लगता है? अरे डंडेलची बहुत बड़ा है इनके ऊपर, डंडेलची है कोई इनके ऊपर, उस डंडेलची का नहीं पता चल रहा कौन सा इन्हें डरा रहा। डर के चलते नहीं। 9 जुलाई और 14 जुलाई को जो ट्रैक्टर रैली आप निकालने वाले हैं, उससे क्या लगता है कि सरकार बात करने के मूड में आएगी? उसकी आज तय होगी, वो कौन कौन से दिन निकलेंगे आज तय करेंगे उसकी। जैसे भी ये बनाएंगे हम तो इनके साथ में, क्रांतिकारी महिला है हरियाणा की, कमजोर है क्या? चौराहे पे बैठी धरना देगा, टेंट लगाएगा, पूरा कर रही काम। और एक हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, दाम बढ़ रहे, उसी के लिए वो, उसी के लिए वो एक दिन का प्रदर्शन रहेगा, जो डीजल पेट्रोल गैस जो महंगाई बढ़ रही है उसी के लिए पूरे देश में प्रदर्शन रहेगा। धन्यवाद साहब।